केदारनाथ में तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने पर तीर्थयात्रियों के स्वागत में होगी पुष्प वर्षा। बद्रीनाथ में भी बाबा के श्रद्धालुओं पर बरसेंगे फूल। कपाट खुलने पर बरसे फूल करेंगे भक्तों का स्वागत। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ सुबह 6:10 पर खोले जाएंगे कपाट। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। इस बार यात्रा के लिए हुआ रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ में बर्फबारी के मद्देनजर एडवाइजरी जारी। तीर्थयात्रियों को मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक यात्रा शुरू करने की हिदायत। तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री धामी की सौगात। चारधाम यात्रा के मार्गों के लिए चिकित्सा सुविधाओं से लैस गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के लिए 9 हेली सेवाएं करेंगे उड़ान। 25 अप्रैल से धाम के लिए संचालित होंगी हेली सेवाएं। इस बार यात्रियों को ऑनलाइन ही खरीदने होंगे टिकट्स। ये हेली सेवाएं केदारनाथ घाटी के गुप्तकाशी बाटा और शेरसी धाम के लिए उड़ान भरेंगे। जोशीमठ के तिमुंडिया मेले के साथ हुआ बद्रीनाथ धाम की यात्रा का आगाज। अद्भुत मेला देखने उमड़े 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु। जोशीमठ के नृसिंह मंदिर प्रांगण में हुआ तिमुंडिया मेला हर साल कपाट खुलने के पहले होता है मेले का आयोजन। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर पर जलार्पण। दुनिया भर के 156 देशों की पवित्र नदियों के जल का अर्पण। अयोध्या में मणिराम छावनी में कार्यक्रम का आयोजन। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और साधु संतों ने शिरकत। फिजी थाईलैंड यूक्रेन समेत सभी पाकिस्तान से भी लाया गया है पवित्र जल। दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जौली के नेतृत्व में जलार्पण का सारा काम इंतजाम। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए किया था भूमि पूजन। भूमि पूजन के बाद से ही शुरू की गई जलार्पण की तैयारियां।